सर एक बार फिर स्वागत है आपका। हाल ही में हम आपसे रूबरू हुए थे, आज फिर हमें मौका मिला है और उसके लिए मैं आपका आभार। धन्यवाद कोठारी जी, और अच्छा लगता है कि आप खेलों में जुड़ गए हैं। हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय की जितनी प्रतियोगिता हो रही है उसमें आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, विश्वविद्यालय आपका आभारी है इसलिए। सर कोरोना के बाद चुनाव ये आप खेल करवा रहे हैं, कितना इसमें आपको महसूस हो रहा है कि हाँ कितनी उम्मीद है और कितने बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं? देखिए कोरोना के कारण हमारे खिलाड़ी विश्वविद्यालय के 2 वर्ष लगभग बंद रहे और हमारी AIU जो नई दिल्ली ऑल इंडिया इंटरस्टीज हमारा जो संगठन है खेल का, वो प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व विभिन्न विश्वविद्यालयों को देता है, और 2 वर्ष प्रतियोगिता नहीं हुई और इस बार प्रतियोगिता उन्होंने प्रारंभ किए हैं। और हमारा भी लक्ष्य यह है कि कोरोना की हम भरपाई कर रहे हैं, जो बच्चों को नुकसान हुआ कोरोना कारण, लगातार हम प्रतियोगिताएँ कर रहे हैं। वो विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताएँ ऐसी हो रही हैं कि हर दिन प्रतियोगिता है। आज यहाँ पर वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता हो रही है, कल भी यहाँ पर फाइनल मुकाबले होंगे, उसके बाद 15-16 को हमारे फुटबॉल प्रतियोगिता होनी है, 15-16 को, और 18-19 को हमारी टेबल टेनिस सितारगंज में होनी है, और 20-21 को हमारी एथलेटिक्स प्रतियोगिता रुद्रपुर में पुरुष वर्ग होनी है, और 23-24 को फिर पुरुष वर्ग होनी है, और 28-29 को कबड्डी प्रतियोगिता खटीमा महाविद्यालय में होगी। तो कोरोना के लिए हमने पूरा व्यवस्थाएँ करी हैं, खिलाड़ियों का टेस्ट लिया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है, और उनको 2 वैक्सीन उनको लगाने का आदेश है, उनका प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, छोटे हैं 17 साल से नीचे वाले, उनके लिए भी हम टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर उन्हें बुला रहे हैं। हमारा ध्येय यह है कि खिलाड़ियों को कोई नुकसान ना हो, उनको प्रमाण पत्र मिले, उनको वो कैरियर बनाए खेल को अपना। सर ये टीम चयनित होकर आगे कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय की टीम का चयन होना है, चयनकर्ता लोग लगे हुए हैं उसमें, और जैसे इनके चेस्ट नंबर होते हैं उनको नोट करके हम उनका पता लगाते हैं कौन, और अधिकांश महाविद्यालय जो फाइनल सेमीफाइनल में खेलते हैं उनके बच्चे भी आते हैं, और जो टीम पहले मैच में भी हार जाती है तो उसमें अगर अच्छा बच्चा कोई टैलेंटेड हो उसको भी सेलेक्ट करते हैं। और ये जो हमारे वॉलीबॉल महिला टीम है ये कुरुक्षेत्र में 18 दिसंबर से होने वाली अखिल नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता प्रतिभाग करने जाएगी, और आशा करते हैं कि ये यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी, जैसे पुरुष वर्ग की हमारी कुरुक्षेत्र में खेल रही है और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, 4 मैच हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय की टीम ने जीते हैं। सर ये जो टीम चयन होगी और चयन होने के बाद बाहर आप भेजने जा रहे हैं, क्या इनके लिए प्रशिक्षण के लिए कोई तैयारी विश्वविद्यालय द्वारा की गई है? वैसे पूर्व वर्षों में हमने प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, लेकिन जैसे आज और कल हमारी ये प्रतियोगिता है, हमारी टीम चयनित होगी, इसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय कार्यालय में इनकी जांच होगी कागजों की, इनके आई कार्ड बनेंगे, एलिजिबिलिटी टाइप होगी, इनके जो एडमिशन है उनको चेक किया जाएगा, फिर रिजर्वेशन भी कराना है हमने टीम का। तो अभी क्योंकि हमारी 16 तारीख को टीम चली जानी है तो इसमें प्रशिक्षण का समय नहीं है, लेकिन हमने सब महाविद्यालयों से पूर्व में कहा था कि अपने महाविद्यालय के खिलाड़ियों को अपना इनका अभ्यास कराते रहें, क्योंकि प्रशिक्षण का इस समय टाइम नहीं है, और आने वाले समय में